हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश पवार। सो अभी भाई दिवाली आने वाली है, आज धनतेरस है, तो धनतेरस पे मैं अभी आया हूँ मार्केट। सुबह का टाइम हो रहा है 10 बजे का और ये ऑटो आ गया है पीछे बहुत शोर करते हुए, तो आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट मैं फिर भी तेज़ चिल्ला के बोल देता हूँ। तो आज धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ये वीडियो जब डले शायद उस टाइम तक दिवाली आ जाए। तो मैं अभी आया हूँ सोना, अभी मेरे को सोना से सिस्टर को पिक करना था, उसके बाद में फिर मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा मार्केट आए हैं, नहीं तो फिर शाम को आना पड़ेगा या फिर कल आना पड़ेगा, तो अभी आए हैं। तो अभी जो भी मोमबत्ती वगैरह जो भी चीज़ें लेनी होती है तो वो सब चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं सोना की लोकल मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसी चहल पहल है यहाँ पे। तो अभी देखो जैसे ट्रैक्टर वैक्टर खड़े हुए हैं, ये सब यहाँ पे कट्टे वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे किसानों का भी धान का टाइम हो गया है, यहाँ पे धान वान आने का, तो भाई धान वान भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी जो चहल पहल है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे तो परचूने की दुकानें हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी मार्केट, जो कि है बड़ी ही चहल पहल वाली, बहुत रौनक है। अभी यहाँ नहीं दिख रही है, वो रौनक आगे दिखेगी। फूल मालाएँ यहाँ पर मिल रही हैं, मोमबत्ती दिए, तो ऐसे दिए आपको ज़रूर खरीदने चाहिए। हमारे वहाँ पर तो घर ही आ जाते हैं, हमारे वहाँ पर बनाने वाले हैं तो वो लोग घर ही पहुँचा देते हैं। बाकी ऐसी देखिए नई नई तरीके की मोमबत्ती, बड़ी बड़ी, यहाँ पे आपको जूते भी मिल जाते हैं, तो आप जूते भी यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी चिलुआ वगैरह जो प्रसाद होता है, तो अभी मेरे पास में कैश नहीं था, क्योंकि यू नो मैं ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स में बिलीव रखता हूँ, तो इस वजह से मैं ताई के पास में आया, ताई के पास में था नहीं ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने एक दिया यहाँ पे पसंद किया था, कौन सा, ये वाला, कितने का था, यू मात्र 10 रुपये का ये दिया है। देखिए इसमें मिट्टी भी है, इसमें कलर भी है, और ये 10 रुपये का है ओनली। चलिए इनकी अभी ज़रूरत नहीं है तो इन चीज़ों को अभी नहीं देखेंगे, आप तरह से ही देख लेंगे, एक जगह से ही ले लेंगे, तो फिर कैसे फील आएगा। थोड़ा और चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे मतलब फील आ रहा है। वैसे तो ये मार्केट जो है वो खाली रहती है लगभग, यहाँ पे ज़्यादा सब्जी वब्जी बिकती है, और आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा है, बहुत यहाँ पे अच्छा प्रतीत हो रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अभी चलो, अब भैंसन के लिए तो लेनी है, भैंसन की कटियान की माला, हाँ भाई बैल वाली, आजा भैंसन के लेंगे, चल दो दे दियो। देखिए भाइयों, तो हमने ये वाली अपनी दो छोटी हमारी कटियां हैं 2-2 महीने की, तो उनके लिए ये वाली बैल पसंद की है। लगभग आपके पास में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिल जाते हैं, यही आपको ऑप्शन मिलता है, तो यही आपको ख़रीदना होगा। बाकी भैंस वगैरह के लिए लेंगे तो भैंसों के लिए भी काफ़ी सुंदर सुंदर गुलाबी, उनका फेवरेट कलर तो ब्लैक है, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने पिंक रखा हुआ है। हमें आपको बम्ब जो है वो रेडी पे भी मिल जाते हैं, देखिए कितना हमारा सोना प्रोग्रेस कर रखा है। इनको सजाने के लिए कितने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, माला वगैरह कोई सी भी चीज़ें ले, यहाँ से ले रहे हैं हम कैलेंडर, कुबेर महाराज वाला ही लेगी तनीसा, तो यही दे दो, लाओ भाई दे दो इसको ही। अभी इनके जब इसके सजावट के लिए तैसे ये भी तो ले लो, तो कौन से वाले लेने हैं आपको बताओ, छोटे भी हैं सही भी लगेंगे, ये बड़े हैं। कितना फन होता था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो कितना मजा आता था, ये बड़े वाले, हाँ पता है, ताऊ पता है, तनीसा को सब पता है। यू विल गेट दी सो मैनी ऑप्शंस ऑफ दी मूर्तीज लाइक साई बाबा, लक्ष्मी माता, गणेश जी, सारे भगवानों की मूर्तीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वाओ नाइस, और एक हमने ये भी ले लिया है, लक्ष्मी माता का, कुबेर जी का, सबका इसमें लगा हुआ फोटो। मोमबत्तियों के रेट आजकल कितने महंगे होते जा रहे हैं, इसके अंदर लगभग होंगी 15 मोमबत्तियाँ, और ये 50 रुपये की, 50 रुपीज़ कितनी है, 18 50 रुपये की, बहुत महंगी लगा रहे हो यार। और ये जो बड़ी वाली है ये, हाँ 70 की, 90 रुपये वाली बड़ी वाली। मैंने यहाँ पे 5 पैकेट तो वो व्हाइट वाली मोमबत्ती ले ली है, और 2 वो बड़ी सी मोमबत्ती रखी थी वो ले ली है, पूजा के लिए उनको रख देंगे। वैसे एक बार मूर्ति भी देख लेंगे, कोई अच्छी लग जाए तो, हैं? अरे नहीं ये ज़्यादा महंगी देंगे, क्योंकि अभी सीजनल चीज़ है ना, ये यहाँ महंगी होगी। दीपावली पूजा में जो मस्ट चीज़ होती है वो होती है भाई ये खील लेना, तो अभी ये खील और ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कई सारी दुकानें, काई साहब है भाई 20 रुपये पाव आधी किलो कर दियो। धनतेरस के दिन बर्तन जरूर खरीदते हैं भाई, तो अभी बर्तन खरीदने के लिए चलते हैं। बाकी जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे मोमबत्ती, चिलुआ, कैलेंडर, तस्वीर,
ये सब चीजें तो ले लिया, बम पटाखे तो क्या ही ले, अब देखते हैं बम पटाखे अगर थोड़े बहुत लेंगे तो वो कल देख लेंगे। अरे भाई मैं तो भूल ही गया, धनतेरस में तो झाड़ू जरूर खरीदा करते। ठुकराल की झाड़ू नहीं है यहाँ पे, ठुकराल की नहीं है बाबू, ठुकराल की झाड़ू ये लो। कितने की है? 80 रुपए की। और ये सब 80 की दो है सारी, कोई से ले लो 80 की दो, ये और ये दोनों ने मिला के 80 में दोनों आ जाएंगे। वाओ नाइस बिजनेस, चलो दे दो, दो दे दो। ये मस्त चीज़ होती है दिवाली पे खरीदने की, धनतेरस पे इसको ज़्यादातर खरीदा करते हैं। और देखिए हमारे म्यूनसिपल कमेटी ये सब करके रखती है, जिसकी वजह से अभी मेरे को पैर में झटका लग जाता है। इनको थोड़ा सुधारा करते हैं। 180 की दो, ओहो कितना एक्सपेंसिव है, जल्दी ला पैसे दे। सो मच एक्सपेंसिव गाइस, मुझे मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 80 की दो, मैं वही सोचू, मैं कहा 80 की तो एक आती है, 80 की दो कहाँ से दे रहे हैं, पर दिवाली धमाका हो पर हो क्या पता, देख रहे हो रोकड़ा। तो भाई मैं तो झाड़ू लेके निकल गया हूँ अब बर्तन खरीदने के लिए। बर्तन में देखते हैं कौन सा बर्तन हमको सही लगता है। बाकी मम्मी की डिमांड है बर्तन में कि एक वही वाला बर्तन लेकर आना जो घर में प्रोग्राम हुआ था ना, तो हलवाई उस बर्तन को लेके भाग गए। जैसे हलवाई क्या करते हैं लगभग, जैसे कई कई बर्तन ना हमसे भी मांग लेते हैं, अब वो रिटर्न ही नहीं करते, उनको लेके भाग गए। जैसे कि जग था जो हमारा, उसको लेकर हलवाई चले गए हैं, और चकला बेलन भी थे उनको भी लेके चले गए, पर वो तो खरीद लिए। अब यहाँ पे जग रह गया, जग का नंबर है, तो आज जग का भी शुभ मुहूर्त यहाँ पे कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बर्तनों की मांग, कितना मतलब यहाँ पे रश है। अब हम यहाँ पे मेन मार्केट जो है उसमें हम यहाँ पे एंटर कर गए हैं, तो अभी बर्तनों की दुकान में और चल देते हैं बर्तन खरीदने। आज तो भाई मतलब पूरी दुकान खाली हो जानी है। असली दिवाली तो दुकानदारों की होती है, हम लोगों का तो बस ये भी खराब होता है, ये भी लुटता है असली तो। इनके देखिए अंकल के चेहरे पे कितनी टेंशन है आज, बिल्कुल इतने सारे कस्टमर्स को देखकर कि ओहो हाउ टू हैंडल देम। तो यहाँ पे अपनी जग की भी शॉपिंग हो गई, यहाँ पे अपना बर्तन भी खरीद लिया है जग, तो अब जिस जग को लेकर चलते हैं, क्योंकि हाँ क्या ओहो लक्ष्मी माता कहाँ रह जाती हो। चलो लेके चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं मार्केट से। अब यहाँ पे जितना भी सामान था वो सब तो ले लिया है, कहाँ टांगेगी इनको आ जाइए। सब स्कूल के गेट पे टांगा करते थे, अपने जो क्लास होती थी उसे गेट पे टांग देते ना सुबह दीपावली, तो अब कहाँ टांगेंगे। देखो बर्तनों की दुकान में देखिए, लोग यहाँ आओ देखो एकदम ताऊ यहाँ पे खाली बैठा है, देखो बेचारा चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। और दिन तो लेडीज इसी पे रहती होंगी, पर आज उसमें कोई नहीं जा रहा है। अच्छे भी है झाड़ू मैंने जो लिए, देखो नीचे से तो ऐसी लग रही है मुझे तो, ये नीचे जैसे कुछ होना, एकदम लोकल क्वालिटी रख रखी है क्या। इससे अच्छा था मैं पैसा खर्च किया दुकान से ले लेते, बट क्या करें लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए, दुकानदारों से रोज़ खरीदते हैं। इनके घर में भी तो जब ही दीपावली बनेगी जब हम इनसे सामान खरीदेंगे ऐसे लोकल दुकानों से। अभी यहाँ पे जितना भी था वो सब खरीद लिया, धूप बत्ती अगरबत्ती सब है घर पे, बताशे सब है घर पे। तो फिर यहाँ से सामान वामान लेके अब कुछ खा पी और लेते, टाइम हो गया लगभग 12 बज गए घूमते। आप अपनी गाड़ी के पास में चलते हैं, कहाँ खड़ी है अपनी किया सेल्टोन। ये कौन सा सीजन है भाई गेहूँ का, मतलब यही है ना गेहूँ जब उस टाइम बेचते नहीं है, रख लेते हैं स्टोर के लिए, फिर वो घर पे ही ख़राब होने लगते हैं, तो किसान भाई लोग सोचते चलो अब इनको बेच ही देते हैं, जब भी तो 6 महीने बाद फिर से आई जाना है, इतना तो रखेंगे ही। तो यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ हमने पार्क कर दी थी, ट्रैफिक हमने नहीं लगाया है, ट्रैफिक ट्रैक्टर ने लगाया है। कभी आप सोचे कि हमारी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ, नहीं जी हम ट्रैफिक नहीं लगाते। तो तनीजा जी गाड़ी अनलॉक कर दीजिए प्लीज़, खुल जा सिम। चलो रखो सामान को सबको, वो कल ली तो इसकी सर्विस कराई है, कल ये पूरी धुलवाई थी, और आज देखो इसकी हालत, क्योंकि हम इसे पेड़ रख के ले आए थे तो उसकी वजह से गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। अब इसको चलते हैं यहाँ से निकाल के और कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर के लिए निकलेंगे। अब लगा दिए ना ट्रैफिक, देखो अब यहाँ पे सामने ये आ गई, इन्होंने लगा दी, खड़े रहो सब कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खड़े रहेंगे, हमको भी फुल इंजॉय हो रहा है खड़े खड़े, काफ़ी फन आ रहा है, एसी चल रहा है, ठंड आ गई है इसलिए एसी का टेम्परेचर अब यहाँ पे रहता है, एक पे चलता है इसका एसी इतना तगड़ा है भाई, तो एक पे चलाओ और यहाँ पे चलाओ एकदम पूरा जमा देता है, 2 मिनट के अंदर ऐसा लग जाता है कि अब चलो इसको बंद कर दो। अब देखो भाई मतलब अभी तो इन्होंने चलो बाइक वालों ने एकदम से हटा दिया, अदरवाइज निकलने के लिए अगर कोई गाड़ी रुक गई है तो ये सबर नहीं होता कि ले वो सामने वाले भी तो हैं, नहीं 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 हम तो अपनी मोटरसाइकिल को आगे निकाल के लेकर आएंगे, हम कैसे रुक जाएंगे, दूसरे रुके तो रुके। भाई हमको तो पता नहीं कितनी देर तक इस ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ेगा, आप कब तक ये ट्रैफिक देखते रहोगे हमारे साथ में,
अब जब मैं अगला कुछ दिखाऊंगा दिवाली का, अभी मैं दिवाली का पूरा आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे क्या है। तो जब आपसे मिलते हैं, अभी तो दिवाली का ये कुछ सामान खरीदा था तो मैंने कहा चलो भाइयों के साथ मैं शेयर कर लेते, दिखा देते हैं कैसे कैसे मार्केट होता है हमारे यहाँ पे। हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग तरह की मार्केट होती है। तो मैं कहा चलो आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ सोना शहर की और इस एरिया की कैसी मार्केट होती है, अपने वहाँ की कैसी मार्केट होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली आप सभी को, फुल एंजॉय कीजिए दिवाली पे, खूब सारी मिठाई खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और सबको सोन पपड़ी बांटिए, थैंक यू। भाई अभी बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट हीरो के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो कि हायर करता है वर्कर्स को। प्रोजेक्ट हीरो अपने सभी वर्कर्स को हीरो मानता है। तो अगर आप सेटरिंग करते हैं, आप पेंटर हैं, आप मिस्त्री हैं, आप बेलदार हैं, कोई भी आप, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। पहले अपने फोन में आपको प्ले स्टोर खोलना है, उसमें टाइप करना है प्रोजेक्ट हीरो, जो आपको ऐप है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब आपको एरो में दिखाए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक करना है, आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोजेक्ट हीरो ऐप को खोलना है, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपनी भाषा चुननी है, आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चूज कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जहाँ पे एरो दिखाया गया है वहाँ पे ओटीपी डालेंगे। अब ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करना है, जिसके लिए आप अपना फोटो, आपका नाम, आपकी जेंडर या फिर आपने कोविड वैक्सीनेशन करा रखा है, ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। जब आप अपने सारे डिटेल्स डाल देंगे तो आपको मेरा रेफरल कोड डालना है YTAKASCI, जिससे आपको कुछ धनराशि भी मिले। मेरा रेफरल कोड डालना मत भूलिएगा। अगर अपने दोस्तों को भी यहाँ पे ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। रेफरल बोनस के लिए आपको अपना अकाउंट डिटेल्स ऐड करना होगा। अगर आप यहाँ नौकरी पाते हैं तो आपको 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है, आपको यहाँ PF मिलता है। आप व्यू जॉब पे जाकर अपना मनपसंद नौकरी देख सकते हैं। एरो से दिखाए गए जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपको नौकरी के ऑप्शन दिख जाएंगे। जिस भी साइट पर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए एरो से दिखाए गए अप्लाई बटन पे क्लिक करें। आपको अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, उसके लिए आप नीचे लिखे प्रोफाइल पे जाएंगे और रिक्वेस्ट फॉर प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको वर्कर्स की जरूरत है तो आप projecthero.in की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ फ्री में वर्कर्स के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपको प्रोजेक्ट हीरो की टीम से बात करनी है तो इनके टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं, जो कि ऊपर एरो में दिखाया गया है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कैसे करते हैं उसकी जानकारी फ्री में चाहिए हो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट हीरो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन की सारी वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इस बार प्रोजेक्ट हीरो के साथ में मिलकर मनाते हैं दिवाली। अपने गली मोहल्ले घर का फोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालें और पाएं प्रोजेक्ट हीरो की तरफ से उपहार। इंस्टाग्राम पर टैग करें @projecthero workers एंड फेसबुक पर टैग करें प्रोजेक्ट हीरो, जिसका भी बेहतरीन फोटो होगा उसको मिलेगा प्रोजेक्ट हीरो की तरफ से उपहार।